हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आप सभी अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सके आपसे। ओके, और पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। सब चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। हो वाह, सिक्स ऑफ वॉन्ड सबसे पहला ही कार्ड, टावर, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड डेविल। ऑलराइट, यहाँ पर तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो आपके पर्सन के मन में उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए करंट में, अगर आप लोगों का रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, फ्रेश है एकदम, काफ़ी समय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उस सिचुएशन को एंड करने के लिए सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। हमारे जो ब्रेकअप हुआ है या हमारा जो रिलेशनशिप है वो टूट गया है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, हम वापस से एक हो जाए, यानी कि रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। जिनका अभी अभी जो ब्रेकअप हुआ, जिनका काफ़ी समय हो गया, वो ये सोच रहे हैं कि इतना लंबा समय हो गया है हमारे रिलेशन को बिखरे हुए, टूटे हुए, या हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें वो सब, उन सब की वजह से जो हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, हमारे बीच में सब ख़त्म हो गया, टूट गया, उसमें कितना और वक्त लगेगा कि वो सारी चीज़ें वापस से ठीक हो सकें या अपने बैलेंस में आ सकें। यहाँ तक कि उनके उनके मन में ये चाह भी दिख रही है कि जैसे वो एक सक्सेस पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो जो बिखर गया है, टूट गया है, समेट गया है, उसको छोड़कर आगे बढ़कर आपके साथ वापस से इस सिचुएशंस को बैलेंस करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, अपनी विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे हैं। उनके मन में ये भी है कि मेरी ये जो भी मेरी इच्छाएं हैं मेरे पर्सन को लेकर, मेरी पर्सनल चीज़ों को लेकर, वो सारी की सारी जो है वो पूरी हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ। जो बिखर गया है, टूट गया है, उससे मैं वापस तो नहीं ला सकती या नहीं ला सकता, लेकिन उसको वापस से ठीक जरूर किया जा सकता है। जो बिखर गया है वो तो पूरी तरीके से नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन वापस से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशंस को वापस से रिक्रिएट करें, अपने अपने रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करें, फिर से वो घर बनाएं जो वापस से दोबारा ना टूटे, वो स्ट्रांग कनेक्शन हम वापस से बनाएं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपनी विशेष को लेकर, जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक उनके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजेसिव हो रहे हैं, ड्रीमी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मन ही मन में ख्याल उनके मन में चल रहा है, ये सोचकर खुश हो रहे हैं, वो सोचकर खुश हो रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर अपने माइंड में अभी आपके पर्सन चल रहे हैं और अपसेट भी इसी बात को लेकर हैं कि हमें इतना डे ड्रीमिंग करने से क्या फ़ायदा है, रियलिटी चेक तो कुछ और ही है, रियलिटी कुछ और ही है, रियल तो लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस चल रही है। अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बार बार इमोशनल हो जाते होंगे मिस करके, यहाँ पर आपको जब भी उनकी आपकी उनकी या उनको याद आती होगी या आपको मिस करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर भी चले जाते होंगे। उनके मन की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं उनको ये बोलती होगी, ये समझाने की कोशिश करती होगी कि सब शायद ठीक हो जाएगा, सब शायद अच्छा हो जाएगा। खुद को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कितनी जल्दी हो सके ये बाहर निकला जा सके। ये मैसेज सभी के लिए हैं जिनका अभी जल्दी में हुआ है, जिनका अभी लेट हो गया है, जिनका, उन सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। कहीं ना कहीं खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस रिलेशनशिप को वापस स्ट्रांग कर सकें, बिल्ड कर सकें, इस रिलेशनशिप में कैसे सक्सेस लाई जाए, सेलिब्रेशंस लाई जाएँ, खुशियाँ लाई जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है,
आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, थक चुके हैं कि यार ये तो मैं परेशान हो गई हूँ, परेशान हो गया, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि खुद को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर लिया है इन सारी चीज़ों से, अब वो जो डिस्टर्बेंस है वो हावी हो रही है कहीं ना कहीं उनके ऊपर, कि वो उनके लिए हर चीज़ को समझ पाना भी शायद मुश्किल हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पर आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन में है क्या, प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन इनके रिश्ते की क्या चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ इन आपके पर्सन के माइंड में देखिए यहाँ पर टूटू की एनर्जी भी आई हुई है यहाँ पर, तो टूटू नंबर जो है यहाँ पे 222 दिख सकता है, 22 दिख सकता है, अगर आपको बार बार रिपीटेटिव में दिख रहा है तो देखें आप वो क्या कहना चाहता है। दो नंबर आपके लिए जो है वो सिग्निफाई हो सकता है, 2 वीक्स, 2 आवर्स एंड 2 मंथ्स भी कह सकते हैं, 15 डेज भी कह सकते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, आपके पर्सन का कॉल या मैसेज भी आ सकता है, या आप कुछ आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है उनकी तरफ से, आपको कुछ बात पता चल सकती है उनकी तरफ से, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स ने एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा घेर रखा है, उनके माइंड पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन नेगेटिविटी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन भी है कि यस मैंने पास्ट में शायद बहुत गलतियाँ की हैं, या मैं बहुत नेगेटिव रहा हूँ, डोमिनेट रहा हूँ, अपनी चलाने की कोशिश की है या करती थी, जो भी कह सकते हैं आप, जितने भी नेगेटिव वाइब्स आप लोगों के बीच में रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को यहाँ पर है। और साथ ही साथ ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डालती रहती है कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, मैं जितने भी एफर्ट्स लगा लूँ, जितने भी कोशिश कर लूँ, शायद सिचुएशंस बैलेंस नहीं होंगी। यहाँ पर वो अपने फैमिली, अपने पर्सनल चीज़ और अपने प्रोफेशनल चीज़, आपको और जो बाकी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जगलिंग में बहुत ज़्यादा है आई थिंक, किसी दो सिचुएशन में जगल भी कर रहे हैं, वो उनकी फैमिली और आप हो सकते हैं, चूजिंग फैक्टर हो सकता है, किसे प्रायोरिटी दें ये भी हो सकता है, या उनके पर्सनल में जो उनका करियर है वो भी हो सकता है, प्रोफेशनल में सॉरी और पर्सनल में आप हो सकते हैं, दोनों को बैलेंस कैसे करना, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ऊर्जा में दिख रहे हैं कि हाँ चलो एक्शन लेते हैं, देखते हैं क्या, इनिशिएट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जो है डिस्टर्ब होने की वजह से, माइंड नेगेटिविटी में जाने की वजह से उतना एक्शन पे उतना फोकस जो है उनका नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि वो जो पॉजिटिव वाइब्स उनके माइंड में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव के अंदर दब जा रही हैं, ऊपर नहीं आ पा रही हैं, और इसी वजह से शायद वो बार 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 माइंड में सोचते हैं बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाते हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।